अस्सलाम वालेकुम एटर फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अब बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है और कम बजट में बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डो को तैयार करके रख लिया था ताकि वह बेहतरीन तरह से राइज हो जाएं। अब हम पिज़्ज़ा के लिए चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं योगर्ट में कुछ स्पाइसेस और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1/2 kg बोनलेस चिकन था जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए। तो योगर्ट जब मिक्स हो जाएगी इसमें हम चिकन ऐड कर लेंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट्स के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 25 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब इसको हम कुक करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने पैन में 1 tablespoon ऑयल लिया और अब इसमें मैरिनेट किया हुआ हम चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप पिज़्ज़ा के लिए चिकन प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम करिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा ऑयल ऐड कर देते हैं ना तो पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा ऑयली बनेगा, जो कि टेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और खाया भी नहीं जाता। तो बस 1 tablespoon ऑयल ऐड करेंगे और इसके अलावा जो योगर्ट का पानी है ना, इसी में आप देखेंगे चिकन बहुत ही बेहतरीन से तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सोया सॉस, चिली सॉस या विनीगर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना आप चाहते हैं ऐड कर लें। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा चिकन बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आपको पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए कोई भी फ्लेवर पसंद है ना चिकन में, तो आप उसमें इसको तैयार कर सकते हैं, लाइक टिक्का, तंदूरी, कोई भी आपको पसंद है। लेकिन यहाँ पर मैं घर के मसालों का इस्तेमाल करते हुए इसको तैयार कर रही हूँ। जब तक चिकन कुक हो रहा है, साथ में हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 तरह की चीज़ है, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। अगर आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वही मोस्टली इस्तेमाल की जाती है पिज़्ज़ा के लिए। ये काफ़ी स्ट्रेची होती है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा पे बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें से स्ट्रिंग्स बनते हैं। लेकिन इसके अलावा साथ चेडर चीज़ का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही क्रीमी और टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो बस इन दोनों चीज़ को हम बेहतरीन तरह से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए चीज़ भी ग्रेट हो चुकी है, पिज़्ज़ा सॉस और चिकन भी तैयार है। तो बस अब इसका मेन काम स्टार्ट करते हैं और हम इसकी डो से अच्छे से बेस तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा के लिए। अच्छा, जब मैंने डो तैयार की थी ना पिज़्ज़ा के लिए, तो उसको मैंने तैयार करने के फ़ौरन बाद पिज़्ज़ा ट्रे में ही रख दिया था ताकि वो इसी में बेहतरीन तरह से राइज हो जाएँ, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में ना इसी तरह से किया जाता है। वो जब डो को तैयार कर लेते हैं तो पहले तमाम पिज़्ज़ा ट्रेज़ को ऑयल ब्रश कर लेते हैं और फिर क्वान्टिटी मेयर करके हर एक पिज़्ज़ा ट्रे में वो डो को रख देते हैं और उसको कवर कर देते हैं ताकि वो उसी में राइज हो जाएँ। और जब उनको पिज़्ज़ा तैयार करना होता है, वो उसकी बेस को तैयार कर लेते हैं और झटपट से टॉपिंग करके पिज़्ज़ा को तैयार कर लेते हैं। तो बस उसी तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी डो तैयार हुई थी, सॉफ्ट सी। हल्का सा हाथ से प्रेशर देने पे ही ट्रे पे बेहतरीन से इसकी बेस सेट हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह आप पिज़्ज़ा के लिए बेहतरीन सी डो घर पर तैयार कर सकते हैं, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने डो को पिज़्ज़ा ट्रे में बेहतरीन तरह से सेट कर लिया था। अब एक फोर्क की मदद से हम इसमें होल्स पोक कर लेंगे। अच्छा, इसका पर्पज़ ये है कि बेकिंग के दौरान एयर इन होल्स के थ्रू एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से बेस पफी नहीं होती या फिर उसमें बबल्स नहीं बनते। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो पिज़्ज़ा डो की जो बेस है ना, वो बहुत अनइवन सी बनेगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो जनाब, यहाँ पे मेरा फेवरेट काम स्टार्ट होता है, जो कि है पिज़्ज़ा की टॉपिंग। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा पे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने खुद ही घर पे तैयार की थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो पिज़्ज़ा सॉस को पूरे बेस पे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पर हम 1 लेयर लगा देंगे मायोनीज़ की, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही क्रीमी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। मायोनीज़ की लेयर लगाने के बाद हम इस पर खूब सारी चीज़ डाल देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इसकी बेस पे चीज़ ऐड करें, अदरवाइज़ आप टॉप पे ऐड करते हैं तो वो भी इनफ रहता है। तो यहाँ पे मैं मोज़रेला और चेडर चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी पूरी बेस पे। अब जो हमने पहले ही चिकन को प्रिपेयर करके रख लिया था, उस चिकन को हम पिज़्ज़ा पे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हर एक बाइट में इसका टेस्ट आए। और आप देख सकते हैं कि इस चिकन बाइट्स के साथ ज़रा भी ऑयल नहीं है। और आप इसी तरह से इसको तैयार करिएगा बहुत ही कम ऑयल में, अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा बेहतरीन बने। अब इस पर हम डाल देंगे खूब सारी चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ को ग्रेट करके रख लिया था। तो बस इस पर खूब सारी हम चीज़ डाल देंगे, नीचे से सारा इसको कवर कर देंगे। और वैसे भी यार, पिज़्ज़ा में मेन मज़ा ना चीज़ का ही होता है। अगर चीज़ ना हो तो वो तो ऐसे ही लगता है जैसे आप रोटी खा रहे हो। तो इस पर ज़्यादा से चीज़ ऐड कर देंगे।
अब यहाँ पे हम ग्रीन कैप्सिकम और ब्लैक ऑलिव्स के साथ इसकी टॉपिंग कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिंग पसंद है ना, लाइक मशरूम्स कॉर्नस वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कैप्सिकम और ब्लैक ऑलिव्स के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो बस इसको हम ओवन में बेक कर लेंगे। टंटना, तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी चीज़ी सा पिज़्ज़ा। यकीन जाने ये बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना था, और इसको घर पे ही बनाना बड़ा आसान है। और सबसे मज़े की बात यह है कि कम बजट में ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हो गया था। बल्कि मैं आपको अपने क्यूट से प्रिंसेस का एक बहुत ही प्यारा सा रिव्यू भी सुना देती हूँ। तो ज़ारा बताइए, आपको ये पिज़्ज़ा कैसा लगा था? मुझे बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनने था, खा के स्वाद ही आ गया था। हमें पप्पो के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, फिर मैंने आपको कितना ऑनेस्ट और क्यूट सा रिव्यू भी सुना दिया है। आप इसको लास्ट में ट्राई करिएगा, और यकीन जाने आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि आपने इसको घर पर तैयार किया या बाहर से ख़रीद के लाया है। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।